पूजा भट्ट फुकरा इंसान को टारगेट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब एक प्रोमो सामने आया है जो कि कल का है। कल दरअसल टिकट टू फिनाले टास्क फुकरा इंसान ने जीत लिया। जीतने के बाद यहाँ पर जिनकी गलती थी उन्हें कुछ ना कहते हुए पूजा ने अभिषेक को काफी कुछ कहा। गलती अविनाश और जाद हदीद की थी और इन दोनों की गलतियों पर पर्दा डालते हुए फुकरा इंसान को ये कहा गया कि वो अनऑनरेबली खेले हैं, मतलब उनके गेम में कोई ऑनर ही नहीं है और वो इतना गंदा खेले हैं कि उन्हें जीतने का कोई हक नहीं, ऐसी जीत कोई काम की नहीं। और इस बात को कहते कहते यहाँ पर पूजा भट्ट रोने भी लग गई थी। हालांकि ये गेम ही था और इस गेम को गेम की तरह ही खेला गया था। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरीके से रोया हो और किसी को नीचा दिखाया हो। जहाँ पर जो कल्प्रिट्स हैं वो खुद पूजा भट्ट के पास ही बैठे हुए हैं और पूजा भट्ट की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है। पूजा भट्ट जिसने सबसे पहले फिजिकली धक्का मुक्की की शुरुआत की थी वो खुद अपनी गलती नहीं मान रही है। कह रही मैंने बड़े प्यार से धोखा दिया था, आपने किसी को इतना जोर से धक्का दिया कि वो बहुत दूर जाकर गिरी थी। लेकिन यहाँ अब सब कुछ भांडा फोड़ा जा रहा है। अभिषेक मल्हा और पूजा राइट बनी हुई है और रो रही है और बता रही है कि वो कितना गलत इंसान है। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। बिग बॉस के और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।